बीना क्या है? घर जा रही हूँ। घर क्यों जा रही हो तुम? काफी दिन हो गए, अब जाना चाहिए। ये एकदम से बैठे बिठाए तुम्हें घर जाने का ख्याल कहाँ से आ गया? थोड़े दिन तो रुक जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है। और चाची जान जो भी फैसला करेंगी वो तुम्हें बताएंगी। मैं तो मुझे इतने दिन बर्दाश्त कर लिया, मेरे लिए उतना ही काफी है। लेकिन फिर भी बीना, मामा को ना सही, मुझे तुम्हारे यहाँ होने से बहुत सपोर्ट मिलती है। समझने की कोशिश करो, समशा पे मैं पूरा घर और निहाल को नहीं छोड़ सकती। मुझे जाना होगा सानिया, प्लीज। ना बेटा, सब खैर तो है? जी सब खैरियत। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चची जान को अकेला मत छोड़िएगा। जा इतने दिन उनके साथ गुजार लिए, कुछ दिन और उनके साथ गुजार लीजिएगा प्लीज, और उनको मना के अपने साथ लेके जाइएगा। हाँ हाँ बीना, बेटा तुम बेफिक्र हो जाओ। हालांकि अजलान का यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, रहना तो पड़ेगा बेटा। तुम आपा से मिल ली हो? जी मिल ली थी, बस आप इजाजत दीजिए। अल्लाह की अमान में जाओ। अब निहाल कहाँ है, गाड़ी में? नहीं, वो बिजी थे तो मैंने कैब करवा ली। कैब करवा ली है? बेटा तुम इस तरह से अकेले कैसे टैक्सी में जाओगी? तुम्हें अजलान छोड़ देता है। नहीं मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ आता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बीना बेटा जिद मत करो, असलान छोड़ देगा तुम्हें। हम कैसे घर की बेटी को इस तरह सारे सामान के साथ अकेले टैक्सी में जाने दें? हाँ तुम्हें असलान छोड़ेगा। असलान बेटा ये सामान उठाओ, जाके गाड़ी में रखो। चल असलान छोड़ देगा बेटा, अल्लाह के हवाले।